अमरोहा के मोहल्ला प्रीत विहार कॉलोनी में परिवर्तन पाठशाला शुरू की गई, जिसका पीसीएस अधिकारी गंभीर सिंह ने शुभारंभ किया। बता दें कि पीसीएस अधिकारी गंभीर सिंह ने शिक्षा के क्षेत्र में अलख जगाते हुए एक सामाजिक संस्था नया विचार नई ऊर्जा फाउंडेशन शुरू करके गरीब और असहाय बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने की मुहिम शुरू की और यह मुहिम आज रंग ला चुकी है। भारत के 10 राज्यों में अलग अलग स्थानों पर पीसीएस अधिकारी गंभीर सिंह की इस संस्था नया विचार नई ऊर्जा फाउंडेशन के द्वारा निःशुल्क शिक्षा देने के लिए परिवर्तन पाठशाला चला रहे हैं। इस संस्था की एक और पाठशाला अमरोहा नगर के जोया मार्ग पर स्थित मोहल्ला प्रीत विहार कॉलोनी में शिक्षा विभाग में तैनात प्राथमिक विद्यालय के अध्यापक कृष्णपाल सिंह ने अपने घर पर शुरू की है और इस परिवर्तन पाठशाला में प्रीत विहार कॉलोनी व आसपास के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। इसका शुभारंभ पीसीएस अधिकारी गंभीर सिंह ने किया है और इस मौके पर उनके साथ उनकी टीम के सदस्य भी मौजूद रहे थे। पीसीएस अधिकारी गंभीर सिंह की यह मुहिम वाकई में अद्भुत है और उनकी मेहनत का नतीजा है कि आज उनकी कोचिंग में शिक्षा पाकर कई बच्चे शिक्षित हो चुके हैं। अमरोहा से संवाददाता मोहम्मद आसिफ की रिपोर्ट। एक हम लोग संस्था चलाते हैं नया विचार नई ऊर्जा फाउंडेशन, जिसके अंतर्गत जगह जगह परिवर्तन पाठशाला चलते हैं। तो यहाँ हमारे प्रदेश अध्यक्ष वीर सिंह चौहान जी और राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री मुजाहिद चौधरी जी, हमारी टीम के महानगर अध्यक्ष दीपक अग्रवाल जी और जिला अध्यक्ष इरकान अली जी और यहाँ पे जिला के कोषाध्यक्ष मुमताज जी, मनोज जी और पूरी टीम के नेतृत्व में यहाँ बहुत अच्छा काम हो रहा है। जगह जगह परिवर्तन पाठशाला खुल रही है। आज यहाँ पर प्रीत विहार कॉलोनी में कृष्णपाल जी एक जो बहुत अच्छे टीचर हैं, उन्होंने अपने घर में यहाँ के मोहल्ले वालों बच्चों के लिए एक परिवर्तन पाठशाला निःशुल्क संचालन करने के लिए अपने घर के नीचे वाला पोर्शन परिवर्तन पाठशाला को दिया है, जिससे यहाँ के प्रीत विहार और आसपास के मोहल्ले के बच्चे यहाँ निःशुल्क शिक्षा ग्रहण करेंगे। और इसके लिए हमारी जो अमरोहा की टीम है वो समय समय पर यहाँ इनको आवश्यक सुविधाएं मुहैया कराएगी। और आपके माध्यम चैनल के माध्यम से ये संदेश देना चाहूँगा कि इस समय शिक्षा क्रांति को देश को बहुत आवश्यक है कि हम सब लोग मिलकर अपने अपने स्तर से जहाँ पर भी हैं शिक्षा के लिए मदद करें, गरीब बच्चों की मदद करें। ऐसे जो समाज के अंतिम पायदान पर बच्चा खड़ा है उसको शिक्षा के लिए हम सहयोग करते हुए करें। इससे क्या होगा, बाल अपराध रुकेगा, बाल श्रम रुकेगा और ये बच्चे बड़े होकर देश की मुख्य धारा से जुड़ेंगे और आने वाले टाइम में हमारा देश सफल होगा। कितने अब तक पाठशाला आपने खोल दी है? देखिए, ये हमारे 10 से 12 राज्यों में जगह जगह परिवर्तन पाठशाला चल रही है। तो ये तो एक जगह जगह लोग खोलते जा रहे हैं। हर 8वें दिन हमारे पास मैसेज आता है कि हमने एक नई परिवर्तन पाठशाला खोल दी, हमने नए। तो मुझे लगता है मोर देन 100 परिवर्तन पाठशाला अब तक हमारी खुल चुकी हैं जगह जगह सेंटर। कितने स्टेट में चल रहा है? ये 10 स्टेट में चल रहा है अभी तक। 10 स्टेट में। तो अब इसको जो है लेकर के क्या मुहिम है, क्या आप लोक सेवा आयोग में जो चयन होते हैं उसकी भी परीक्षा की तैयारी आप लोग कराएंगे क्या? इसमें तो ये बच्चे जो हमारे टीम के लोग हैं आपस में पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, कंपटीशन तैयारी करते हैं। हर साल हमारे बच्चे IAS पीसीएस में सेलेक्ट हो रहे हैं, अन्य जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उसमें चयन होकर देश में समाज में मुख्य धारा से जुड़ के अपना योगदान दे रहे हैं। JBD बैंक्वेट्स लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD बैंक्वेट्स एंटरप्राइज। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।